नमस्कार जयपुर, मैं डॉक्टर राहुल सैनी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मंगलम मेडिसिटी मानसरोवर में हूँ। हेलो राहुल जी, हम अपने शरीर के कुछ ऑर्गन से तो बड़ा प्यार करते हैं, जिनके बारे में हमेशा जिक्र करते रहते हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि मेजरली हार्ट के बारे में सब लोग सोचते हैं। बिल्कुल। तो सेकेंडली जो ब्रेन है वो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसको कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं और किस तरीके की हमें लाइफस्टाइल एक मेंटेन करनी चाहिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हम सबसे ज्यादा ध्यान बाकी सब ऑर्गन पे देते हैं, मगर ब्रेन कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। अपनी हेल्थ के लिए, हम मेंटल हेल्थ के लिए आज इतना जागरूक नहीं है जी। और आज की जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह स्ट्रेस से भरी पड़ी है। हर कोई आदमी जो आज बोलता है कि उसे स्ट्रेस नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो सन्यासी है। बिल्कुल सही है। तो ये एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, अंडर रिपोर्टेड एरिया है। कई लोगों को तो वास्तव में बिल्कुल भी नहीं पता कि उन्हें स्ट्रेस है, उन्हें एंजाइटी रहती है। और कब ये स्ट्रेस और एंजाइटी उनके एक पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है उन्हें खुद भी पता नहीं लगता। और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी स्ट्रेस और लगातार एंजाइटी रहने से आने लगती है। आपको बीपी रहने लग जाता है, थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम आने लग जाती है, और भी बहुत सारी चीजें धीरे 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 करके बिल्टअप होने लगती हैं। और ये कहीं ना कहीं फिर आपके ब्रेन में मेमोरी को भी इफेक्ट करने लगती है और बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट डालने लगती है कहीं ना कहीं जी। तो मेरा कहना यही है कि इस स्ट्रेस को आप पहचानिए, जिसको कम से कम उन लोगों को जिनको कि ये पता है कि वो एक कांस्टेंट स्ट्रेस में है, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट से जरूर मिलना चाहिए, उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए। ये स्ट्रेस आज की तारीख में इतना अंदर तक आ चुका है अपनी लाइफ स्टाइल में कि अब एक जो पहले स्टिग्मा था कि हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या फिर हमने किसी को ये बोला है कि हमें एंजाइटी रहती है तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, आज हर दूसरे आदमी को स्ट्रेस है, हर दूसरे आदमी को एंजाइटी है। तो इसे अब एक स्टिग्मा ना समझ के इसे जेन्युइनली एक हेल्थ प्रॉब्लम समझनी चाहिए और हमें न्यूरोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को या कंसर्न डॉक्टर को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो सर, एक क्या आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे उन सारे लिसनर्स को जो अभी आपको सुन रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया आपके आने से पहले भी चल रही थी, दुनिया आपके जाने के बाद भी चलेगी। हम एक छोटे से पीरियड के लिए इस दुनिया में हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस ना लीजिए।